नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसएससी एग्जाम वॉरियर पर। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल में आप लोगों की सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, उसके ऊपर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों की सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए बात करें तो वो आप लोगों को डाटा से ही पता चल जाएगा कि आप लोगों की लिस्ट आने वाली है या नहीं आने वाली है। ऑफिशियल जो आप लोगों को नोटिफिकेशन आया था उसमें भी आप लोगों को जानकारियाँ दी हुई हैं इस नोटिस के बारे में। देखिए, अब बात कर लेते हैं हम जो आप लोगों का रिजल्ट आया था एसएससी जीडी कांस्टेबल के अंदर, उस रिजल्ट में देखिए आप लोगों का क्लियरली यहाँ पर मेंशन है। आप लोगों का पहले पॉइंट में आप लोगों का जो है एग्जामिनेशन दे रखा है, और सेकंड पॉइंट आप लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट यही दे रखा है कि जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए हैं वो बाय 10 के रेशो में शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं, यानी एक वैकेंसी पर 10 कैंडिडेट यानी मल्टीपल बाय 10 कैंडिडेट को बुलाया गया है। अब देखिए, इस तरीके का रिजल्ट हमने बहुत सारे में देखा है। आरपीएफ का रिजल्ट आया था, उसके अंदर भी 1/10 के रेशो में कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए थे। चाहे बात करें आप लोग की आरपीएफ के अंदर कांस्टेबल की, चाहे बात करें एसआई की, लेकिन उसके अंदर सेकंड मेरिट लिस्ट देखने को मिली थी। यहाँ तक कि आप लोग की थर्ड मेरिट लिस्ट भी आई थी आरपीएफ के अंदर। अब ये जो रिजल्ट है, इसी तरीके का रिजल्ट आता है यूपी पुलिस में। आरपीएफ के अंदर देखिए 1600 मीटर रेस थी। अब आप बात करने लगे वो टफ कॉम्पिटिशन था। देखिए आप लोगों को 1600 मीटर माननी थी 5:45 में, और यहीं आप लोगों को 5 किलोमीटर कंप्लीट करनी है। 5 किलोमीटर आप लोगों को 24 मिनट में कंप्लीट करनी है। कहीं आप लोगों का कंपटीशन है, सेम कंपटीशन है। देखिए यहाँ 1600 मीटर आप लोगों को स्पीड वाइज कंप्लीट करनी है, यहाँ आप लोगों को स्टेमिना पूरा बनाना है 5 किलोमीटर का, जो और ज़्यादा टफ हो जाता है गर्मी के मौसम में। अब यूपी पुलिस के अंदर भी देखिए 5 आप लोगों की किलोमीटर रेस होती है, उसके अंदर भी देखिए 2 से 3 मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाती है हमें। तो यही कारण है आप लोगों का रिजल्ट का रिवाइज होने का, क्योंकि इसके अंदर बात करें तो यूपी पुलिस में जो फॉर्म भरते हैं कैंडिडेट, वहीं आप बात करें कम कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए तो बता दें यूपी पुलिस में जो फॉर्म भरते हैं कैंडिडेट कांस्टेबल के लिए, वो चाहते हैं लगना, क्योंकि वो आप लोगों का फॉर्म पेपर देते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन एसएससी की बात करें, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है जो आप लोगों का पेपर कंडक्ट कराती है सीजीएल के लिए भी, सीपीओ के लिए भी, और कांस्टेबल तक के लिए भी। तो अब बात करें तो इसके अंदर देखिए कांस्टेबल का जो पेपर हुआ है इसके लिए, इसमें जो सीजीएल वाले कैंडिडेट हैं और सीपीओ वाले कैंडिडेट हैं, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। जो अपना पूरा फोकस देते हैं सीजीएल और सीपीओ को, लेकिन वो साइड वाइज एग्ज़ाम भी देते रहते हैं एमटीएस के, सीएचएसएल के, एसएससी जीडी के, जी आप लोग के एग्ज़ाम वो देते रहते हैं, लेकिन इनमें वो आप लोग की बिल्कुल भी ज्वाइनिंग नहीं करते, यहाँ तक कि वो रेस लगाने भी नहीं जाते। अब देखिए आप लोग ये कैंडिडेट हैं, और कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो मेडिकली फिट नहीं होंगे, उन्होंने फॉर्म भरा होगा ओनली सिर्फ पेपर देने के लिए। अब आप लोगों का जो मेरिट है वो उसको तो वो हायर कर ही देते हैं। अब आप लोगों की मेरिट आ गई, अब आप लोगों का जो है रेस होने वाली है। अब जब रेस में कैंडिडेट उतने ही क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, 10 के अंदर बात करें तो आप लोग जो कैंडिडेट आएंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हम इस बारे में बाद में चर्चा करने वाले हैं कि आप लोगों के कितने कैंडिडेट आने वाले हैं। अब आप लोग जो कैंडिडेट आएंगे 10 में से आप लोग सिर्फ 5 कैंडिडेट ही पहुँच पाएंगे, क्योंकि 5 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो जाएंगे ही नहीं, कहीं और सिलेक्शन हो जाएगा। मैं अपने आसपास ही बात करूं तो अपने एक सर्कल में मैं बात करूं तो उसके अंदर सिर्फ एक कैंडिडेट हैं जो जाने वाला है फिजिकल की एसएससी जीडी के लिए। बाकी और कैंडिडेट हैं जिनका, 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका हरियाणा पुलिस के अंदर सिलेक्शन है, और एक कैंडिडेट ऐसा है जिसका जीडी यानी ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन है हरियाणा, और 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका जो सिलेक्शन है आरआरबी ग्रुप डी के अंदर है। वो भी बिल्कुल नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि इसमें हमें बीएसएफ सीआरपीएफ मिलेगी, इससे बढ़िया हम सिविल की नौकरी करें। लेकिन उनकी सोच जो है वो जैसी है, आप लोग अपनी सोच मत बनाइएगा कि नौकरी ख़राब है। नौकरी के ऊपर मैं पूरी वीडियो बना चुका हूँ, सबसे बढ़िया नौकरी है, देश सेवा का बहुत अच्छा मौका है। जहाँ लोग आर्मी के अंदर सिलेक्शन नहीं ले पाते, वहाँ आप लोगों के लिए सेकेंड मौका है देश सेवा के लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल से। अब बात करें इसके अंदर, देखिए आप लोग जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होने वाले हैं उसके अंदर उतने ही कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे जितने कैंडिडेट उनको चाहिए। अब उतने कैंडिडेट नहीं हो पाएंगे तो आप लोग की सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, और यहाँ तक कि इसके अंदर वेटिंग लिस्ट भी बनने वाली है, क्योंकि एसएससी जीडी कांस्टेबल में इस बार वेटिंग लिस्ट बनेगी, 100% कन्फर्म है। अब देखिए जो वेटिंग लिस्ट बनेगी और आप लोग की जो है कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे, तो जिसको बोलते हैं वेटिंग लिस्ट या बोलते हैं सेकंड लिस्ट, वो 100% आएगी, और आप लोग की जिस भी टाइम आप लोग की वेटिंग लिस्ट आएगी उस टाइम हमारे चैनल पर आप लोग को अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, सारी जानकारी आप लोग को एसएससी जीडी से रिलेटेड आप लोग को मिलती रहेंगी। साथ में नोटिफिकेशन बार जरूर ओपन कर लीजिएगा, उससे आप लोग को जानकारी मिल जाती है हमारी आने वाली वीडियोज़ की। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय।